इस सत्संग मंडप में इतनी विशाल संख्या में भगवत ज्ञान की महिमा को सुन पा रहे हैं, इसका सर्वाधिक श्रेय जाता है एक वृद्धा माँ जी के पास। और वे माँ जी भी कैसी अंगूठा छाप, वे वृद्धा माँ जी थीं मेरे प्यारे गुरुदेव स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज की दादी माँ। दादी माँ बहुत वृद्ध थी, आँखों से बराबर दिखता भी नहीं था और जर्जर शरीर के कारण घर का काम भी अच्छे से नहीं हो सकता था। इसलिए बहुओं की झिरकियाँ हमेशा सुननी पड़ती थी। बहुएं कहती, यह बुढ़िया कुछ करती नहीं है, सारा दिन खौं खौं करती रहती है। इस प्रकार का बहुत कुछ वे सुनाती रहती। दादी माँ का शरीर भी जर्जरित अवस्था में, करती भी क्या, फिर भी उन्होंने जो किया उसका फल हम सब सभी अभी चख रहे हैं। दादी माँ भले अनपढ़ थी परंतु उनकी समझ सूक्ष्म थी। अपने नन्हे से पौत्र को गोदी में लेकर बैठी होती अथवा उन्हें पालना झुला रही होती तो कहती, बेटा ये सब जो अपमान करते हैं, मेरा अपमान नहीं करते हैं, वे इस देह का अपमान करते हैं, इस चोले का अपमान करते हैं, मैं तो इस देह से परे हूँ। मान अपमान तो मन के खेल हैं, राग द्वेष सब बुद्धि में है, भूख प्यास तो प्राणों का धर्म है, मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं सदा साक्षी नित्य मुक्त आत्मा हूँ। जो मुझे नहीं पहचानते वे मेरा अपमान कैसे कर सकते हैं। बेटा तू भी ऐसा ज्ञान समझ लेना, पचा लेना, तो तू भी मान अपमान से पार हो जाएगा। तू अपने शुद्ध चैतन्य तत्व में स्थिर हो जाएगा। मान अपमान का असर दो लोगों को नहीं होता, एक ज्ञानी को और दूसरे मूढ़ को। बीच में रहने वाले सभी परेशान होते रहते हैं। बेटा तेरा जन्म ऐसे तुच्छ भावों में बहने के लिए नहीं हुआ। जो मुझे नहीं पहचानते वे मेरा अपमान कैसे कर सकते हैं। ऐसे उच्चतम विचारों से दादी माँ बालक लीला राम के संस्कारों को दृढ़ करती रहती थी। आज के संसार में तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, खूब पैसे कमाएगा, बंगला बनाएगा और गाड़ी चलाएगा, ऐसे भौतिक संपत्ति के संस्कारों से बालक का सिंचन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। बालक लीलाराम पर उन वृद्धा दादी माँ के संकल्पों एवं संस्कारों ने ऐसा शक्तिशाली काम किया कि 12 वर्ष की कोमल वय में ही गृह त्याग करके परम तत्व की खोज में निकल पड़े और उन्हीं होनहार बालक के परम तत्व के ज्ञान का प्रसाद आज आपके और मेरे हृदय को पावन कर रहा है।